मुख्य नाम ओम से तीन बार पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा करिए। हे प्रभु, सब प्रकार के अधर्म से, अज्ञान से, असत्य से, अविद्या से, पाप से, ताप से, विघ्न से, बाधा से हमारी रक्षा करिए। हे प्रभु, हमें आपसे ही संबंध को जोड़ना है और सांसारिक संबंध को तोड़ना है। आपके स्वरूप ही साक्षात्कार करना है, अपने आत्मा स्वरूप को जान करके आत्मा के द्वारा आ परमात्मा में प्रविष्ट होना है, अर्थात आपके साथ प्रगाढ़ संबंध को, अंतः संबंध को स्थापित करके आपके परम आनंद को प्राप्त करना है, क्योंकि आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हे ईश्वर, आप सत चित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात आप एक सत्तावान चेतन वस्तु हैं, कोई कल्पना नहीं है, और अनंत आनंद के भंडार हैं, तथा आप तो निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं,
हे प्रभु, आप निर्विकार हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं, सर्वाधार हैं। हे नाथ, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वमी हैं। हे प्रभु, आप अजर अमर अविनाशी हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं और सृष्टि को बना करके निरंतर संसार का सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं और यथा समय सृष्टि का प्रलय भी करने वाले हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आप अजर अमर अविनाशी हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं, वैसे ही मैं जीवात्मा भी अजर अमर अविनाशी हूँ, स्वरूप से नित्य हूँ, पवित्र हूँ और अनादि काल से अनंत काल तक आपके समान आपके अंदर ही रहने वाला हूँ। किंतु मैं जीवात्मा तो एक देशी हूँ, आनंद से रहित हूँ। मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ। हे प्रभु, मैं जीवात्मा अनुस्वरूप हूँ, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हूँ, आपका पुत्र हूँ, शिष्य हूँ, प्रजा हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु हैं, राजा हैं। हे प्रभु, मैं आपके अंदर व्याप्य हूँ, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, व्यापक हैं। हे प्रभु, मैं जीवात्मा आनंद से रहित हूँ, इसीलिए संसार में आनंद की खोज में भटक रहा हूँ। किंतु मुझे वास्तव में पूर्ण आनंद तो आपसे ही मिलने वाला है और आपके आनंद को ही प्राप्त करने के लिए आपने मुझे यह शरीर दिया है तथा संसार का भी इसीलिए निर्माण किया है कि हम जीवात्मा गण अपने कर्मों का फल भोग सकें और आपके मोक्ष आनंद को प्राप्त करके समस्त दुखों से समस्त बंधनों से छूट सकें। अतः यह शरीर और संसार तो साधन है, मैं जीवात्मा साधक हूँ, आप परमात्मा साध्य हैं।
इसलिए मुझे संसार के पदार्थों का प्रयोग साधन के रूप में करना है और इन इसके विषयों पर आसक्त नहीं होना है, क्योंकि संसार और सांसारिक पदार्थ नाशवान हैं, एक दिन नष्ट होने वाले हैं। संसार के सभी पदार्थ एक दिन पंच महाभूत में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति से संसार का निर्माण करते हुए आपने अंत में पंच महाभूत ही बनाया था। हे प्रभु, सबसे पहले तो आपने प्रकृति से महतत्व बनाया, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन और पांच तन्मात्राओं का निर्माण किया। पांच तन्मात्राओं से फिर आपने ही पांच महाभूत बनाया और पांच महाभूत से समस्त संसार का निर्माण भी आपने ही किया। अतः चूंकि ये संसार आपके द्वारा निर्मित है, इसलिए एक दिन आपके द्वारा ही नष्ट भी होने वाला है। उस समय चारों ओर घोर अंधकार हो जाएगा। संसार के सभी पदार्थ टूट फूट कर पांच महाभूत में लीन हो जाएंगे। पांच महाभूत पांच तन्मात्रा में, तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाएगा। उस समय कहीं भी कुछ भी रहने वाला नहीं होगा। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहेंगे। चारों ओर घोर अंधकार और उस अंधकार में भी आप परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त रहेंगे। बद्ध आत्मा तो मूर्छित रहेंगे और मुक्त आत्मा आपके आनंद का पान करेंगे। इसलिए हे प्रभु, हमें भी बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा बना दीजिए, जिससे कि हम प्रलय काल में भी आपके आनंद में मग्न रह सकें। अतः अभी से हम आपको बार बार आनंद की प्राप्ति के लिए पुकार रहे हैं। आपसे बारंबार
आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हे प्रभु, आप अनंत आनंद के भंडार हैं, सर्वत्र आनंद से ओतप्रोत हैं और अनादि काल से अनंत काल तक अपने ही आनंद में मग्न रहने वाले हैं। हे प्रभु, हमें भी आपके आनंद में मग्न कर दीजिए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप हमारे अंदर बाहर सर्वत्र आनंद में मग्न होकर विद्यमान हैं और आप ही शत प्रतिशत आनंद से परिपूर्ण हैं। हे परमात्मा, मैं जीवात्मा तो आनंद से रहित हूँ, इसलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना करता हूँ। और अब मैं मानसिक रूप से ध्यान करते हुए आपसे आनंद की कामना करता हूँ। सीधा बैठेंगे, श्वास को देखेंगे, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास को देखिए। श्वास अंदर लेंगे तो बोलेंगे ओम आनंद, श्वास बाहर छोड़ेंगे तो अर्थ करेंगे हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। शरीर शांत, मन भी शांत, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकमात्र ईश्वर का ध्यान।
केवल मात्र ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। श्वास अंदर लेंगे तो मंत्र बोलेंगे ओम आनंद, श्वास बाहर छोड़ेंगे तो अर्थ करेंगे हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इस प्रकार ईश्वर से संबोधन करते हुए ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण बनाकर रखते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे। केवल मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं जीव, मेरा शिव, एकमात्र ओम, एकमात्र ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। तो मन ही मन इसका ध्यान करते रहिए, दोनों आँखों के बीच में धारणा बनी रहे, शरीर शांत, मन भी शांत, मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, एकमात्र ईश्वर का ध्यान हो। करिए, ईश्वर से मन ही मन आनंद की याचना करिए, ईश्वर के आनंद स्वरूप का ध्यान करिए कि ईश्वर हमारे चारों ओर हवा के समान, प्रकाश के समान आनंद में मग्न होकर विराजमान हैं, आकार प्रकार से रहित हैं, निराकार हैं, इसलिए हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र आनंद से लबालब भरे हुए हैं। ऐसे ईश्वर को अपने चारों ओर अनुभव करिए और उनसे आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। मन ही मन प्रार्थना करिए, ध्यान करिए। केवल और केवल ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसी मंत्र से ईश्वर का ध्यान करिए। दूसरा कोई विचार मन में आने नहीं पाए। शरीर शांत, मन भी शांत, एकदम शांत, ईश्वर के आनंद स्वरूप का ध्यान। ईश्वर में कोई कष्ट नहीं है, उन्हें कोई रोग शोक नहीं होता है, कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, पूर्णतया स्वतंत्र, पूर्णतया एकदम निर्भय, अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, आनंद ही आनंद में हमेशा तल्लीन रहते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को अब हम केवल ओम नाम से पुकारेंगे, जो उनका निज नाम है, मुख्य नाम है ओम, और ओंकार से उनका ध्यान करेंगे। श्वास अंदर जाए तो अब केवल ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो भी केवल ओम बोलिए, और श्वास को भी अपने आप आने दीजिए, अपने आप जाने दीजिए। अपने ओर से कोई प्रयत्न मत करिए श्वास लेने में, सहज भाव से अपने आप श्वास आएगा
अपने आप श्वास जाएगा। श्वास को भी ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को भी ढीला छोड़ दीजिए, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सभी अंगों को एकदम शांत। पैर के पंजे, एड़ी, टखने सब शांत, घुटना, जंघा, कमर सब शांत, एकदम स्थिर आपने कर दिया है। अनुभव करिए, नाभि प्रदेश, छाती प्रदेश, पीठ भाग सब शांत, एकदम स्थिर। ऐसे ही दोनों भुजाओं को, कंधों को हमने शांत कर दिया है, कोहनी को, कलाई को, हथेली को भी शांत। ईश्वर समान पूरे शरीर को हम शांत करते हैं। जैसे ईश्वर शांत होके, स्थिर होकर के सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे हम भी अपने शरीर को शांत स्थिर करते हैं, गर्दन को भी शांत करते हैं, नासिका, मुख, कंठ, नेत्र, कर्ण, मस्तक सभी को शांत, एकदम शांत। श्वास के माध्यम से ओम का ध्यान एकदम धीरे धीरे, श्वास भी हल्का फुल्का हो जाएगा, शरीर भी हल्का फुल्का हो जाएगा। एकदम शांति की अनुभूति करिए, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई हलचल नहीं, ईश्वर के स्वरूप में तल्लीन हो जाइए, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाइए। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, ओम का ही ध्यान। दोनों आँखों के बीच में धारणा बना करके रखिए, बस नींद नहीं आए इसके लिए सजग सावधान रहिए, एकदम सावधान, सजग, शांत, प्रसन्न, ईश्वर के स्वरूप में मग्न। केवल ओम का ध्यान, मन में भावना बनाएंगे, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, ये भावना चलेगी मन मन में, ओम का ध्यान और सर्वरक्षक की भावना। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, ओम का ही उच्चारण, ओम का ही ध्यान, ओम से ही संबोधन, हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं, ओम से ही परम प्रेम, अगाध आस्था, दृढ़ निष्ठा, अटूट विश्वास, केवल ओम, केवल ओम। ओम ही सोम, ओम ही व्योम, वही व्याप्त है हमारे रोम और रोम। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, ओम के ध्यान में मग्न हो जाइए। कोई चंचलता नहीं, एकदम शरीर को स्थिर कर दीजिए। शरीर जड़ है, मन भी जड़ है, बस तन भी शांत, मन भी शांत। अनुभव करिए, ये परम शांति की प्राप्ति हो रही है, एकदम शांत हो गए हैं, अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही है। अनुभव करिए, अनुभव करिए, हम ईश्वर के स्वरूप में खो गए हैं, ओम के स्वरूप में लीन हो गए हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मैं आपके ही ध्यान में लीन हो रहा हूँ, आपके ही चिंतन में, आपके ही गुणगान में मन को संयुक्त मैंने कर लिया है। ओम, हे प्रभु आप सर्वरक्षक हैं, मेरी भी रक्षा करिए।
सब प्रकार के रोगों से दुखों से बचाइए, आपत्ति विपत्ति विघ्न बाधा से बचाइए, अधर्म अन्याय पाप से बचाइए। ओम, हे ओम, हे प्रभु, हे नाथ, दया करिए, मुझे आपके स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, मुझे आपके आनंद का पान कराइए। हे प्रभु, आप तो मेरे सामने ही विराजमान हैं, मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। हे प्रभु, अब तो आपके और मेरे बीच की जो दूरी है उसे समाप्त कर दीजिए। इसके लिए मेरी अविद्या को हटा दीजिए, मुझे आपके ही सान्निध्य को प्रदान कर दीजिए, आपके ही स्वरूप का मुझे प्रत्यक्ष करा दीजिए। प्रभु, आपके ही शरण में आ गया, मुझे अपने शरण में स्थान दे दीजिए। हे ओम, हे नाथ, हे प्रभु, कृपा करिए, दया करिए, प्रभु दया करिए। मन ही मन ध्यान करते रहिए, बस नींद नहीं आए इसका ध्यान रखेंगे, सब जगह सावधान रहेंगे, ईश्वर के ही स्वरूप में तल्लीन रहेंगे। करिए, ओम का ध्यान करिए, केवल मात्र ओम, केवल ओम, केवल ओम। तन में ओम, मन में ओम, रोम रोम में ओम, चारों ओर ओम ही ओम, संसार के कण कण में ओम, एक एक नस और नाड़ी में ओम, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सर्वत्र ओम ही ओम, आगे पीछे बाएं दाएं अंदर बाहर सभी ओर केवल ओम, केवल ओम। मन में ओम, मुंह में ओम, नाक में ओम, कान में ओम, सिर में ओम, पेट में ओम, छाती में ओम, पीठ में ओम, हाथ में ओम, पैर में ओम, शरीर के अंग अंग में ओम, रोम रोम में ओम, सर्वत्र ओम ही ओम। अनुभव करिए, देखिए, चारों ओर हमारे सभी ओर ईश्वर आकाश के समान व्याप्त हैं। अनुभव करिए, प्रकाश के समान फैले हैं, जैसे दिन में सूर्य प्रकाश सर्वत्र फैला होता है, अभी बल्ब का प्रवाह प्रकाश सभी ओर फैला हुआ है, इसी प्रकार ईश्वर भी बल्ब के प्रकाश के समान हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। अनुभव करिए, एकदम साक्षात करिए ईश्वर, एकदम सूक्ष्म स्वरूप, अणु स्वरूप, जिस प्रकार तरंग दिखता नहीं है, मन भी दिखता नहीं है, वायु दिखती नहीं है, इसी प्रकार ईश्वर चारों ओर विराजमान है, बस आँख से नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार वायु का स्पर्श से अनुभव होता है, इसी प्रकार से परमात्मा का आत्मा से अनुभव होता है। अनुभव करिए, इसी वक्त यहीं पर ईश्वर विद्यमान है, हमारे सामने में देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वैसे ईश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप मन ही मन जो ओम का ध्यान कर रहे हैं उसे भी ईश्वर जान रहे हैं। हम सभी को इसी ध्यान कक्ष में ईश्वर देख रहे हैं, चारों ओर उनके नेत्र हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं, नीचे से भी देख रहे हैं, बाएं से भी देख रहे हैं, दाएं से भी देख रहे हैं, सब ओर से ईश्वर हमको देख रहे हैं। जैसे चारों ओर बड़े बड़े लाइट लगे होते हैं स्टेडियम में और प्रकाश सर्वत्र फैला होता है, इसी प्रकार चारों ओर हमको ईश्वर देख रहे हैं, उनका ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, उनका आनंद सर्वत्र व्याप्त है। बस उनसे संबंध को जोड़ना है, उनके आनंद में मग्न रहना है। ओम ओम ओम।
इसी प्रकार ओम का ध्यान करिए, केवल ओम का ध्यान, दूसरा कोई विचार नहीं, एकदम शांति की अनुभूति करिए, परम शांति की अनुभूति करिए, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, हर श्वास में ओम, श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर जाए तो ओम, अपने आप श्वास चलने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए, आने दीजिए, केवल ओम को उसमें जोड़ दीजिए, कोई हलचल मत करिए, कोई हलचल नहीं, शरीर को शांत, एक एक अंग को शांत करिए, एकदम शांत, एकदम शांत, तन भी शांत, मन भी शांत, परमात्मा भी शांत, जीवात्मा भी शांत, एकदम शांति की अनुभूति करिए, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाइए, ओम के ध्यान में तल्लीन हो जाइए, श्वास श्वास में ओम जपो, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का फिर से आना होए कि न होए, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, ओम के ही ध्यान में मग्न होइए। बस नींद नहीं आए इसका ध्यान रखेंगे, सब जगह सावधान रहेंगे, मन को देखिए, श्वास को देखिए, ओम को देखिए, अपने अंदर बाहर सब ओर ओम को देखिए, ईश्वर में कोई रूप नहीं है फिर भी देखिए, उसको छू नहीं सकते हैं फिर भी ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, देख नहीं सकते हैं फिर भी ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे शरीर के अंग अंग में व्याप्त हैं, बाहर भी व्याप्त हैं, देखिए अंदर देखिए, बाहर देखिए, जहाँ देखना है देखिए, हमारे चारों ओर ईश्वर व्याप्त हैं, हम उनके ही अंदर बैठ करके उनका ध्यान कर रहे हैं, अनुभव करिए, जैसे धुआं सब ओर धुआं धुआं धुआं, या कोहरा कोहरा कोहरा, और कोहरे के अंदर में हम विद्यमान होते हैं, दूर कोई दिखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं जाते हैं, चारों ओर कोहरा होता है इस ठंड के समय में प्रातः काल, इसी प्रकार ईश्वर कोहरे के समान हमारे चारों ओर व्याप्त है, इसी वक्त विराजमान है, अभी हमारे सामने भी हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, हमारे सिर के ऊपर भी ईश्वर हैं, हमारे नीचे भी ईश्वर हैं, सब ओर केवल ईश्वर तो हैं, हे प्रभु आप ही हैं, आप ही मेरे अंग अंग में हैं, मेरे रोम रोम में हैं, मेरे चारों ओर हैं, हे प्रभु मुझे आपकी अनुभूति कराइए, साक्षात आपकी प्रतीति कराइए, मैं जान सकूं, मान भी सकूं कि आप मेरे चारों ओर हैं, इसी वक्त हैं, मुझे देख रहे हैं, इसी ध्यान कक्ष में हैं, हम सब के अंदर हैं, हम सब के बाहर हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हे प्रभु
मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसी मेरे अंदर पात्रता दीजिए। मुझे असत्य से छुड़ा कर इसके लिए सत्य की ओर ले चलिए। ओम असतो माँ सद्गमय, और मेरी अविद्या को दूर कर दीजिए। ये अविद्या ही आपसे मेरी दूरी बनाती है, ये अविद्या ही मुझे जन्म और मरण के बंधन में डालती है। इसलिए हे नाथ, मुझे अविद्या से परे कर दीजिए। इसलिए बार बार प्रार्थना करता हूँ, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, यह जो अविद्या है, यही मेरे समस्त दुखों का कारण है। इस अविद्या को नष्ट कराइए प्रभु, और आपके मोक्ष पद को प्रदान करिए, आपके मोक्ष आनंद का पान कराइए। इसलिए रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज वे समाप का ध्यान कर रहा हूँ, और आपसे यही निवेदन करता हूँ, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवन, हे मेरे ईश्वर, अब तो कृपा करिए, अब तो दया करिए प्रभु। कई बार जन्म ले चुका हूँ, कई बार शरीर को छोड़ चुका हूँ, जन्म और मरण के बंधन से उब गया प्रभु। अब तो मुझे आपके मोक्ष का पथिक बना दीजिए, आपके ही मोक्ष में मैं गति करूं, मोक्ष का पथिक बनूं और आपके मोक्ष आनंद का पान करूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है प्रभु। हे परमेश्वर, इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए, मेरे उद्देश्य की पूर्ति कराइए, मेरे समस्त दुखों की समाप्ति कराइए। हे नाथ, यही आपसे प्रार्थना है, और इसके लिए मेरी बुद्धि को भी निर्मल बनाइए, विमल बनाइए, पवित्र बनाइए, प्रांजल बनाइए, उत्कृष्ट बनाइए। मेरी बुद्धि को योगमय बुद्धि से ओतप्रोत करिए, मेरी भोगमय वृद्धि को बुद्धि को समाप्त करिए। हे प्रभु, मुझे योगमय बुद्धि दीजिए, भोगमय बुद्धि को नष्ट करिए। मेरी बुद्धि को आपके गुण कर्म स्वभाव को धारण करने वाला बना दीजिए। इसलिए गायत्री मंत्र से भी मैं आपका ध्यान करता हूँ, गायत्री मंत्र से भी आपकी अनुभूति करना चाहता हूँ, और रोज वे शाम गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, उससे आपका ध्यान करता हूँ। जिसको गीत ग्रुप में गाना है गा सकते हैं, जिसको मौन रहना है मौन होके भी ध्यान कर सकते हैं। मैं गीत रूप में गाता हूँ, जिसको नींद आए वो गाए, नहीं तो मन ही मन सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन ही मन बोलते रहेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचो
जिसकी इच्छा हो मेरे पीछे पीछे बोल सकता है, जिसकी इच्छा न हो वो मन ही मन आराम से शांति से चिंतन कर सकता है, मन ही मन गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान कर सकता है। ओम। हे प्रभु, आप सबके रक्षक हैं, मेरी भी रक्षा करिए। हे नाथ, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, विघ्नों से, बाधाओं से मेरी रक्षा करिए। हे प्रभु, आप तो प्राणी मात्र के रक्षक हैं, अनादि काल से अनंत काल तक सब की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं भी आपके शरण में आया हुआ हूँ। हे प्रभु, सब प्रकार के दुखों से, कष्टों से, रोग से, शोक से, चिंता से, भय से, बंधन से मेरी रक्षा करिए। भूः, हे नाथ, आप प्राणों के भी प्राण हैं, मुझे भी प्राण शक्ति, दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान करिए। भुवः, हे नाथ, आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं, मुझे भी समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए। स्वः, हे ईश्वर, आप सुख स्वरूप हैं, सर्वोत्तम सुख हैं, मुझ जीवात्मा को भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। तत्सवितुः, हे सविता देव, आप सकल जगत के उत्पादक तथा सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। हे प्रभु, आप समग्र ऐश्वर्य के प्रदायक हैं, मुझे भी आध्यात्मिक ऐश्वर्य और भौतिक ऐश्वर्य दोनों ही प्रदान करिए। वरेण्यम, हे प्रभुदेव, आप सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य हैं, अतः मैं आपका ही वरण करता हूँ। भर्गः, हे भगवन, आप शुद्ध स्वरूप समस्त दुखों क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, आप परमात्मा देव का धीमहि मैं ध्यान करता हूँ, अत्यंत शांत चित्त हो करके आपके ध्यान में मग्न हो गया हूँ। धियो यो नः, आप मेरी बुद्धि को प्रचोदयात्, आपकी ओर ले चलिए, समाधि की ओर ले चलिए, मुक्ति की ओर ले चलिए, आपकी अनुभूति करूं, ऐसी पवित्र बुद्धि मुझे प्रदान करिए। ओम, हे ओम, हे प्रभु, दया करिए, कृपा करिए प्रभु, मेरी बुद्धि को आप में ही लगा दीजिए, मेरे मन को आपके ध्यान में तल्लीन कर दीजिए, हर समय आपका ही ध्यान, आपका ही गुणगान, आपका ही जप लगा रहे। ओम ओम ओम। शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे। समय हो गया या बाकी है? 5 मिनट बाकी है, संध्या कर लेते। चलो, है, चलिए। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये
संयोरभि स्रवन्तु नः ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षु चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाह्व्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। तीन बार प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर निकालिए, निकाल करके रोक दीजिए, फिर घबराहट हो तो अंदर लीजिए। ओम का जप करते रहेंगे, ये बाह्य प्राणायाम। अभ्यंतर में श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए, आवाज न आए, अंदर लेके रोक दीजिए, फिर घबराहट हो फिर धीरे धीरे बाहर निकालिए। तीनों क्रिया में ओम का जप चलता रहेगा। श्वास अंदर लेंगे तो ओम, बाहर छोड़ेंगे तो ओम, अंदर में रोक कर रखेंगे तो भी ओम। तो इस प्रकार ओम के जप सहित प्राणायाम कम से कम 3 बार रोज सुबह शाम करने चाहिए, अधिक से अधिक 21 बार भी कर सकते हैं। प्राणायाम मंत्र का जप करते हुए भी कर सकते हैं, ओम का जप करते हुए भी कर सकते हैं। अथ अगमर्षण मंत्र। अब हम अगमर्षण मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ ऋतं च सत्यं च विद्धा तपसो त्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वशी। ॐ या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो श्वः। ॐ सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचिदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषव देव्यो नमो दिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचि दिगिन्द्रो दिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषव तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रिदाकुरक्षितान्नमिषव
तेभ्यो नमो दीपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु युष्मान् दिष्टियं वयं दिष्मस्तं वो जम्भे दद्म ॐ उदीचिदि स्वजो रक्षिता शनिरिषवा तेभ्यो नमो दिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु युष्मान् दिष्टियं वयं दिष्मस्तं वो जम्भे दद्म ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुदैषव तेभ्यो नमो दिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु युष्मान् दिष्टियं वयं दिष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषव तेभ्यो नमो दिपादिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु युष्मान् दिष्टियं वयं दिष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिश्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐमुदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देव इदं भुरस्ता शुक्रमुचरत् पश्येम शरदा सतं जीवेम शरदा सतं शृणुयाम शरदा सतं प्रब्रवाम शरदा सतमदीना श्याम शरदा सतं भूयश्च शरदा सतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्ष्यणां सद्य सिद्धिर्भवेन्न ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति 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 सबको सादर नमस्ते जी।